हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3.0 हॉल टिकट 2024 के बारे में। आपके जो हॉल टिकट है वो कब तक रखी जाएंगी, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है की वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चाहे पहली बार आए हैं, वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें बीपीएससी ट्री 3.0 का जो एग्जाम है वो फिलहाल 19 से 22 जुलाई के बीच कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड 9 जुलाई को आएंगे। ये पूरा आर्टिकल अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ऑफ drntruhs.in। इस पर चले आइएगा, ये पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी अच्छी तरह लिखा हुआ है, डिटेल आर्टिकल है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें थ्योरी लिखी हुई है। तो 9 जुलाई को आएगा। टाइमिंग जो है वो तकरीबन शाम के 6 बजे के अराउंड लिखी हुई है, मतलब तकरीबन बताई जा रही है कि शाम के वक्त जनरली अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब एडमिट कार्ड के आने की शाम के वक्त पॉसिबिलिटी रहेगी। जनरली जो अलॉटमेंट और जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वगैरह के अपडेट्स आते हैं, जो आजकल एडमिट कार्ड भी आ रहे हैं, तो वो जनरली शाम के ज़्यादातर अपडेट्स मिलते हैं 6 PM के अराउंड। 6 से 9 के बीच पॉसिबिलिटी है रिजल्ट या एडमिट कार्ड के आने की। इसको डाउन कैसे करना होगा, ये स्टेप आपको दिख जाएंगे इसी वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड का, या फिर कभी कभी रिक्रूटमेंट की टैब में मिल जाता है। जहां पर भी लिंक दिखाई सिंपली क्लिक करेंगे, लॉगिन विंडो ओपन होगी, उसमें डिटेल सबमिट करेंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड जो भी मांगे। सबमिट करने के बाद आपको PDF फाइल चल जाएगी एडमिट कार्ड की। थैंक यू।